गाइस, मैं हुआंशु। मेरे साथ है मेरा भाई श्रांशु। हेलो गाइस। तो यहाँ से अभी पढ़ाई कर रहा है। क्या लिख रहे हो बाबू? माइनस 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 लिख रहे हैं। और यहाँ पर विष्णु दादा है। मैं दुखी हूँ। वैलेंटाइन्स डे पार हो गया। आई एम स्टिल सिंगल। हम लोग बाहर चलते हैं। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। चलो चलो चलो, आज मैं सोलर एंड लूनर इक्लिप्स पढ़ूंगा, तभी चलते हैं। हाँ, सूर्य देवता भी उग चुके हैं। रुकिए थोड़ा, हाँ उग चुके हैं। और अभी हम लोग पढ़ते हैं पीछे तरफ जाके। तो चलो 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 चलो। और यहाँ पर धान को रखे हैं। धान को खुला जगह में देंगे, यहाँ रखे हैं। और यहाँ पर और पानी गर्म कर और डालेंगे बोल के। तो अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलो पढ़ाई करते हैं। तो कल तो मैं श्रांशु को साइकिल नहीं सिखा पाया था, तो आज सिखाएंगे ना श्रांशु? हाँ। तो अभी चलाते हैं साइकिल, सिखाते हैं श्रांशु को। अभी साइकिल चला कर थोड़ा ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर तो अभी संतरा खा रहा है। हमारा देसी स्टाइल में खा रहा है सिरांशु ना सिरांशु? और दादा इधर पढ़ाई कर रहा है, दूसरा दादा। थोड़ी मैं गलती से दादा को बोल दिया पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो रीडिंग कर रहा है। आज के लिए इतना ही साइकिल प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, दो ठो पिजन आए हैं। अभी शाम हो चुका है, तो अभी और एक बार उसको अच्छा से रीडिंग करके समझ लेता हूँ। मैं आप लोग को सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में बताऊंगा। अभी भी पूरा ज्यादा का डॉट आया है शादी का दिन है, तो आइए विप्रो दादा को बुलाते हैं। विप्रो दादा को बुलाते हैं। चलो 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 चलो। यहाँ तो अंधेरा है। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन हो गया। विप्रो दादा, आपका दोस्त आया शादी कर देने। विप्रो दादा, क्या आपका दोस्त आया शादी कर देने? मेरा दोस्त है। क्या है मेरा दोस्त? ये देखो सरप्राइज। ओह नो, मेरा दोस्त सरप्राइज। तो उठना पड़ेगा क्या? और भाई कैसा है भाई? अच्छा भाई, शादी हो जा रहा है भाई। क्या कर रहे हैं भाई? उधर हम हो जा रहे हैं, एक मिनट रुकना भाई। कुर्सियाँ निकालते हैं, इसके अंदर से खजाना निकलेगा। खजाना निकल गया। ओहो, रंका मामू और रश्मि। अच्छा अच्छा, मामी का नाम है रश्मि। अच्छा, शादी का। अच्छा, वेडनेसडे को है, 9 को है। अच्छा अच्छा, जाना पड़ेगा। वो बुला दिया है दोस्त, काट देने आए, तो जाना तो पड़ेगा। पीपल ठीक है दोस्त, मैं जरूर आऊंगा। ओके ओके, बाय। सायोनारा सायोनारा, सी यू अगेन। यस, सी यू अगेन। बाय बाय बाय। चलो, कार मिल गया, दोस्त भी चल गया, फिर से सो जाते हैं। चलो, तो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो चलिए अभी पता करते हैं क्या होता है। तो सोलर एंड लूनर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण को बोला जाता है। तो जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक लाइन में आता है, तो बीच में चांद जा जाता है, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो उसका तीन फुट टाइप होता है। एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स, एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एक होता है अनुलर सोलर इक्लिप्स। तो
टोटल सोलर इक्लिप्स क्या करता है कि जब ढक जाता है तो उसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, और पार्शियल का मतलब है कि जब आधा ढक दिया है और आधा ढकना बचा है उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, और अनुलर का मतलब है ढकने ही वाला है, बस छोटा सा हिस्सा बचा है, इसको अनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अभी चांद ग्रहण की ओर बढ़ते हैं, तो चांद ग्रहण का भी तीन टाइप होता है, सूरज और पृथ्वी और चांद एक लाइन में और एक बार आते हैं, तो बीच में अभी अर्थ आ गया है तो तभी चांद ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि 7 से 8 सेकंड तक होता है, क्योंकि जब सूरज का चक्कर लगाता है पृथ्वी तो चांद भी तो उसके चक्कर लगाता है, इसलिए वो कमती समय के लिए रहता है। और जब चांद ग्रहण होता है तो वह 3 से 4 घंटे के लिए होता है, क्योंकि सूरज का चक्कर लगा रहा है और मतलब कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का चक्कर चांद लगा रहा है, तो पृथ्वी का पीछे पीछे चांद घूमते रहता है कुछ घंटे के लिए, पहले वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रहता है। तो चांद ग्रहण का भी 3 होता है, एक होता है टोटल लंचर इक्लिप लूनर इक्लिप और पार्शियल लंचर इक्लिप लूनर इक्लिप, और एक होता है पेनेम्ब्रा लंचर इक्लिप। तो टोटल में तो पूरा ढक देता है, पार्शियल में आधा ढका है, और पेनेम्ब्रा में भी वैसे ही मतलब कि सब में फर्क है, बस पेनेम्ब्रा में नाम चेंज हुआ है। जब पृथ्वी का अंधेरा हिस्सा से अगर चांद को देखेंगे तो मून टू रेड रेड दिखेगा, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो चांद बीच में आ जाता है, तो उसका मतलब कि मून का शैडो टू 50 किलोमीटर तक रहता है, ऐसे बोलते हैं। तो जब चांद ग्रहण होता है तो बीच में अगर कोई मतलब कि पूरा बीच में अंधेरा होता है, तो वो जगह अगर कोई आदमी खड़ा होकर देखेगा मून को तो वो रेड रेड दिखाई देगा, और थोड़ा मतलब कि परछाई का होता है उसमें, उसका साइड से उसको पेनेम्ब्रा बोलते हैं, वहाँ से देखने से थोड़ा चमकीला चमकीला थोड़ा थोड़ा बस दिखता है। और सूरज का अगर सूर्य ग्रहण होने से सूरज को अगर देख लिया जाए बीच से जहाँ पूरा डार्कनेस है, तो आपका आँख खराब हो सकता है अगर आप गॉगल्स नहीं पहना होगा, और साइड से देखने से थोड़ा थोड़ा मतलब कि आधा डूब गया है और आधा डूबना बाकी है, साइड से देखने से ऐसे लगेगा, लेकिन बीच से देखने से ढक दिया है। तो मैं आपको आज बताया कि सोलर एंड लोनर इक्लिप्स क्या होता है। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। तो आज की ब्लॉग में इतना ही, बाय।